बर्नौली इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। बर्नौली इक्वेशन के पहले अजम्पशन देखते हैं। ये चार अजम्पशन है बर्नौली इक्वेशन के, ठीक है। क्या क्या अजम्पशन है? स्टडी फ्लो, इनकंप्रेसिबल फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो और इरोटेशनल फ्लो, रोटेशनल ओनली अलोंग स्ट्रीमलाइन, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन ये नहीं है, ये नहीं है, बट आती यहीं से ही है। तो अपन शुरू से देखते हैं कि प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स की वजह से बर्नौली इक्वेशन बनती है। सीधी बात, विस्कस फोर्स नहीं है, कोई अदर एडिशनल फोर्स नहीं है, इनर्शियल फोर्स के बराबर कर लेते हैं। ये इक्वेशन है आयलर्स इक्वेशन फॉर अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वेरिएबल फॉर्म में दे दिया, ऐसी कोई इक्वेशन में दे दिया गेट में, तो ये इक्वेशन भी पता होनी चाहिए आपको। तो इक्वेशन नथिंग बस माइनस माइनस डीपी माइनस रो जी डी जेड इक्वल टू रो डी एस इनटू, ये एक्सीलरेशन के टर्म आ गया, कोई कन्वेक्टिव और टेम्पोरल दोनों आ गया, वीडीवी बाय डीएस प्लस डीवी बाय डीटी। ये बर्नौली इक्वेशन है विच इज एनर्जी पर मास। तो पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस जी जेड इक्वल टू सी, कुछ नहीं। आपको जनरली ये वाली इक्वेशन याद होगी, सब यही याद करते हैं एनर्जी पर वेट, पर इस इक्वेशन को अपन एनर्जी पर वेट बोलते हैं, ओके। अगर हेड लॉस भी काउंट करते हैं अपन, मतलब कोई हेड लॉस हो रहा है, तो अपन हेड लॉस को हमेशा राइट साइड में ऐड कर देते हैं। जैसे p1 / v² / v² / 2g + z1 = p2 / v + v² / 2g + z2 प्लस जो भी हेड लॉस है उसको लास्ट में सेकंड राइट साइड में ऐड कर लो। पीजोमेट्रिक हेड, ये चार टर्म है, टर्म्स में भी दे देते हैं, वो टर्म पता होनी चाहिए कि पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, p/g + z, स्टैटिक हेड p/g, डायनेमिक हेड v² / 2g, एंड डेटम इज नथिंग बट z। अब अपन कुछ फ्लो मेजरमेंट के फॉर्मूले देख लेते हैं। मान लो ये वेंचुरी मीटर है, ये इसका d1 डायमीटर है, d3 डायमीटर है, d2 थ्रूट में जो डायमीटर है, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू p2 की। तो p1 इज ग्रेटर देन p2, तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंस लेस देन होगा, तो dou p / dou x इज लेस देन 0। यहां पर इंक्लिनेशन ज्यादा होता है, यहां पर इंक्लिनेशन कम होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन जब थियोरिटिकल फ्लो निकालते हैं, जो फ्लो रेट है, जो ये मीटर क्यूब पर सेकंड में आता है, ठीक है, तो ये अपन निकालते हैं। a1 a2 अंडर रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, सीधा फार्मूला है a1 और a2 इसके और इसके बीच का है, ठीक है ना, यहां से और इस लाइन के बीच का है। मैं प्रीफर करता हूं कि आप ये वाला फॉर्मूला याद करो जो सेकंड साइड है, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसके अंदर क्या इजी पड़ता है कि आपको नॉर्मली कोई एरिया नहीं देता, आपको डायमीटर देते हैं सब। तो डायमीटर देते हो, सीधा ये पुट करो ना डायमीटर, इसको अलग से एरिया निकालो फिर डायमीटर निकालो, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट ये फॉर्मूला याद करो, टाइम आपके पास बचेगा और टाइम बचाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना आपको, पाई बाय 4 अलग से निकाल दो, बाकी जितना भी दिख रहा है ना ए की जगह डी स्क्वायर पुट कर दो, ए की जगह डी स्क्वायर पुट कर दो, सिर्फ पाई बाय 4 बाहर निकाल दो, d1 स्क्वायर * d2 स्क्वायर, अब a स्क्वायर होता है d की पावर 4 हो गया, माइनस d2 पावर 4 अंडर रूट 2g, जो सेम का सेम है। अब एक्चुअल फ्लो रेट होता है cd * q थ्योरेटिकल। मान लो आपको चीजें हेड लॉस की फॉर्म में दी है, ठीक है, अगर आपको चीज जैसे hl की फॉर्म में दी, मतलब हेड लॉस की फॉर्म में दी, तो आप cd निकाल भी सकते हो। cd आप कैसे निकालोगे? अंडर रूट h - hl / hl, ठीक है, आप ऐसे भी h - hl / h, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो हेड लॉस। तो इससे अपन ने हेड लॉस ऐसे भी निकाल दिया, आपको लॉस की फॉर्म में दिया है और हेड दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हो, जैसे ही h होता है ना, ये तो h - hl / h, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो cd, वरना जनरली आपको cd क्वेश्चन में दे देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब h कैसे निकालते हैं? h ऐसे निकालते हैं कुछ sm / sl - 1 / y। अब आप पूछोगे h क्या होता है? h कुछ नहीं होता है, h गाइस पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस होता है, जैसे कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि पीजोमीटर क्या होता है। पीजोमीटर पीजोमेट्रिक हेड होता है कि p/g + z, तो p/g p1/g + z1 - p2/g + z2, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही h होता है, ठीक है ना। तो पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस डायरेक्टली बोल देंगे क्वेश्चन में, अगर वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। SM क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड्स। जैसे आप यूट्यूब मैनोमीटर देखते हो ना, ठीक है, जैसे इसके नीचे यूट्यूब मैनोमीटर लगा देते हैं अपन कभी कभी, ठीक है, ऐसा कुछ यूट्यूब मैनोमीटर लगा दिया है ना, ठीक है। तो यूट्यूब मैनोमीटर आपने लगाया तो उसमें आप देखते हो कि जो यूट्यूब मैनोमीटर में जो फ्लूइड होता है, मान लो या मरकरी वर्करी या कुछ है ना, या मरकरी है या फिर यहाँ ऑयल है कुछ ऐसा है, तो इस फ्लूइड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और जो SL होता है वो जो फ्लूड यहां से जो फ्लो हो रहा है, जो फ्लूड इसके अंदर से फ्लो हो रहा है
उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एसएल होती है, और वाई ये होता है कि कितना डिस्टेंस हुआ ये, ये वाई होता है। दिस इज वाई, दिस इज मैनोमेट्रिक है, जो मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूड है वो कितना हाइट ऊपर गया, दिस इज वाई। तो आप ये फॉर्मूला पूरा अप्लाई कर सकते हैं। एच ऐसा भी होता है 1 माइनस एस एम बाई एस एल इंटू वाई, कब होता है, जब ये यूट्यूब मैनोमीटर रिवर्ट हो जाए, मतलब इसको इन्वर्टेड ऊपर की तरफ लगे, कुछ ऐसा लगता है। ऐसा कब लगता है ना, जब मैनोमीटर में अपन एयर डालते हैं, जब एयर डालते हैं कुछ लिक्विड से जो हल्की चीज होती है वह कुछ डालते हैं, तो अपन इस तरीके से अपन इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर भी उसमें डाला देते हैं। तो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। एक अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं, ऑरिफेंस मीटर। ऑरिफेंस मीटर हाल फिलहाल आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें अपन देखते हैं। ये है ऑरिफेंस मीटर, कुछ नहीं वेंचुरी मीटर सिमिलर ही है, बस ऑरिफेंस मीटर में क्या होता है कि ऐसा कुछ ऑरिफेंस डालते हैं जिसके अंदर जब कोई फ्लो होता है तो थ्रोट का जो एरिया होता है, मान लो ये एरिया थ्रोट का है, ठीक है, थ्रोट का जो एरिया होता है उससे रिड्यूस होके ये बिना कॉन्ट्रेक्टर बनता है, बिना कॉन्ट्रेक्टर का एरिया होता है ये वाला, ठीक है ना। तो अपना वही क्यू थ्योरेटिकल कुछ नहीं हो जाएगा, ए वन ए नॉट बिना कॉन्ट्रेक्टर का एरिया लेके अपन, जैसे यहां देख सकते हैं मिनिमम एरिया जो वेंचुरी मीटर देख रहे थे उसमें तो ए हो जा रहा था, बट ऑरिफाइस मीटर मिनिमम एरिया ए नॉट होता है, यहाँ पर अगर मिनिमम एरिया ही रखते हैं तो सब रखा तो अपनी क्यू थ्योरेटिकल आ जाता है, और क्यू एक्चुअल नथिंग बट सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल, जिसका अपन सी डी अपने पता है सीसीसी भी होता है, यहाँ पर अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होता है। अगर हेड लॉस आ जाता है, वही मैंने बताया था हेड लॉस आता है, तो फॉर्मूला ऐसा कुछ बन जाता है। खैर एनीवे, अब एक और चीज, कोई टैंक है, कोई टैंक में छोटा सा होल कर दिया, छोटा सा होल कर दिया तो वहां से ऑब्वियसली पानी फ्लो होगा या लिक्विड फ्लो होगा, उस लिक्विड का कुछ फ्लो रेट होगा, वो फ्लो रेट अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे वो यहां से देखते हैं। कि मान लो होल, तो होल का एरिया तो ए करा, बट ये बिना कॉन्ट्रेक्टर बन के बाहर निकलेगा, बिना कॉन्ट्रेक्टर सबसे मिनिमम एरिया ए नॉट है, ए नॉट के एरिया से वो फ्लो रहा है। तो मान लो जहां से अपन ने होल किया, जहां अपन ने होल किया, उस होल से जब पानी फ्लो होके ग्राउंड पे गिरेगा, तो वहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लो एक्स हो जाती है, और जिस हाइट पे होल किया बेस से, जमीन से लेके जिस हाइट पे होल किया, वो हो जाता वाई, ठीक है ना। तो उस वाई में अपन जब सीवी निकालते हैं, सीवी अपना होता है वी एक्चुअल अपन वी थ्योरेटिकल, ठीक है, वी एक्चुअल अपन वी थ्योरेटिकल। तो एक्चुअल अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर अपने को अंडर रूट टू जी एच नहीं पता है, सिर्फ अपने को ये चीज पता है और यही अपने को कैलकुलेट करना है, तो एक्स अपॉन फोर वाई एच से भी निकाल सकते हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट फोर वाई एच, और वी थ्योरेटिकल इज नथिंग बट अंडर रूट टू जी एच होता है। तो क्यू एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल जो फ्लो रेट होगा वो ए नॉट इंटू वी एक्चुअल होगा, वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी, और ए नॉट बिना कॉन्ट्रेक्टर का एरिया, ठीक है। तो जो सीसी होता है, सीसी इज नथिंग बट जो बिना कॉन्ट्रेक्टर और नॉर्मल एरिया के जो रेशियो होता है वो सीसी होता है, और वी एक्चुअल अपन वी थ्योरेटिकल का जो रेशियो होता है वो सीवी होता है, एंड सीडी इज नथिंग बट सीसी सीवी। एक तरीके से और आ सकता है क्वेश्चन, जैसे अपन एक चीज देखते हैं, मान लो इधर एक होल है, अगर यही दो होल होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, मान लो यही टैंक है बट इसके दो होल है, और यहां अपन ग्राउंड बना लेते हैं, जैसे कि अपन ऐसा बनाया जी, ठीक है, ये ग्राउंड बना लेते हैं। तो ध्यान से समझना, इसको अपन मिटाते हैं, एक सेकंड, तो यहां से मान लो ये होल है, ये कोई वाई डिस्टेंस पे, वाई वन डिस्टेंस मानता हूं, और इसको मैं मानता हूं इस होल का टॉप से डिस्टेंस, टॉप से मतलब जहां पर पानी है, मान लो पानी कंटेनर में यहां पर है ना, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना है, क्योंकि क्विक रिवीजन है जी, इसको है ना नॉर्मल स्टडीज के साथ कहीं आप करके ना डिसलाइक विसलाइक मत करने लग जाना, क्योंकि इसमें अपन रिवीजन कर रहे हैं यार। अगर आपको डाउट आता तो आप बकायदा कमेंट सेक्शन में बोलो, हम वीडियो बना लेंगे आपके लिए डिटेल में, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्विक रिवीजन के वीडियो तो क्विक रिवीजन के टाइप ही होंगे, है ना। तो यहां जाते हैं और अब इसको देख लेते हैं अपन यहां से, पर ये श्योरिटी है यार, पढ़ लो, इससे शानदार क्विक रिवीजन कहीं और नहीं कराएगा आपको कोई भी। ओके, ये हो जाता है ये वाई वन, ये हो जाता है वाई टू, और इस हाइट को दे दो, हाइट ऊपर से लेकर ये हाइट हो गया h2, है ना, इस चीज को देख लो। तो अगर अपने को कैलकुलेट करना है ना यहां पर,
अगर अपने को कुछ कैलकुलेट करना वाई वन वाई टू या जो भी निकालना, अपने को कुछ भी निकालना है कितना हाइट पे है और कितना है, तो दो इक्वेशन याद रखो, रामबाण इक्वेशन है, वाई वन एच वन इक्वल टू वाई टू एच टू, फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, आई थिंक सो, हाँ, तो वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, ये दो इक्वेशन याद रखो, ये दो इक्वेशन याद रखोगे तो आपके सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जब भी दो ऑरिफाइस दिया हो एक टैंक में, ठीक है ना। आपको वो कैलकुलेट करके रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं, ये रिलेशन याद रखो, आप सब चीज कैलकुलेट कर लोगे। तो ये अपना ऑरिफाइस मीटर का कंप्लीट होता है। यहां पर ऑरिफाइस मीटर है, कोई डाउट हो आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो फ्लो मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक बचता है पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब इज स्टैग्नेशन प्रेशर हेड। स्टैग्नेशन प्रेशर हेड अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको इक्वल करना है पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी। थोड़ा सा देख लेते कैसा सा होता है। मान लो कोई ट्यूब है, उसके अंदर से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसे लगा होता है ये, ठीक है ना, ये ऐसे ट्यूब लगी होती है, तो एक ऐसी भी ट्यूब लगी होती है, तो यहां तक तो ये हाइट दे देता है पी अपॉन रो जी, जो कि स्टैटिक हेड होता है, और ये इसके इक्वल हो जाता है, और यहां से यहां तक जो फ्लो जो वी वेलोसिटी से जाता है जो फ्लो, तो ये हाइट होती है, जो थोड़ा और ऊपर चल जाता है वी स्क्वायर अपॉन टू जी होती है, ठीक है ना, एक्चुअली यहां से होती है हाइट, है ना। तो यहां से अपन कैलकुलेट कर देते तो ये वाली हाइट क्या हो जाती है, ये अपन पी अपॉन रो जी हो गया, तो v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस p अपॉन रो g, तो ये वाली हाइट हो जाती है स्टैग्नेशन हाइट। डिटेल में चाहिए तो आपको बताइए, कमेंट में बताना आपको। तो ये जाता है, और ये जो वेलोसिटी होती है ना गाइस, ये होती है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो कभी पाइप फ्लो दिया होता है, आपने लेमिनार में पढ़ा ही होगा कि कभी पाइप फ्लो दिया होता है तो क्या होता है यार, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पाइप फ्लो में क्या होती है, ट्वाइस ऑफ द मीन वेलोसिटी, है ना। और जो फ्लो रेट से आता है, फ्लो रेट से कौन सी वेलोसिटी आती है, एरिया इनटू मीन वेलोसिटी, ठीक है। तो मीन वेलोसिटी निकालेंगे, मीन वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे, और ऐसे तो थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट बता रहा था, कुछ नहीं। चलो हाँ, ये पी डॉट हो गया स्टैग्नेशन प्रेशर रेट पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी।